नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। अनंत चतुर्दशी को लेकर पूरे अंग प्रदेश में दिखा उत्साह। श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ भगवान अनंत की पूजा। फर्जी जमानतदार बनकर अपराधियों का बेल करवाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नगर विधायक अजीत शर्मा ने सीएमएस स्कूल में स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन। छात्रों से तकनीकी शिक्षा का लाभ लेने की कही बात। बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण मेले का हुआ शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने पर हुई चर्चा। और नौगछिया में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। एक दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। पूरे अंग प्रदेश में अनंत चतुर्दशी को लेकर सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान विष्णु की अनंत रूप की पूजा अर्चना की। इस दौरान भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, बरारी सीढ़ी घाट, मनस्कामना नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में 14 गाठ वाले अनंत सूत्र की पूजा कर श्रद्धालुओं ने धारण किया। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। चतुर्दशी के दिन पूजा करने से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को अनंत चतुर्दशी का महत्व बताया। वहीं बांसी के मधुसूदन मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ अनंत पूजा मनाई गई। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर समुद्र मंथन की कथा का श्रवण किया और अपने बाहों पर अनंत को धारण किया। वहीं बांका के पंजवारा में लोगों ने भगवान अनंत नारायण की पूजा श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ किया और क्षीर सागर में समुद्र मंथन की कथा के उपरांत अनंत सूत्र धारण किया। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, खास करके नौकरी करने वाले और विवाहित लड़का लड़की उसके लिए, पुत्र चाहने वाले उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। उसको सभी हिंदू लोग बड़े आस्था से मनाते हैं। अपने शहर में बूढ़ानाथ मंदिर में बहुत बड़े संख्या में बाहर से पंडित लोग आते हैं और शहर के गणमान्य लोग यहाँ आकर के कथा सुनते हैं, अनंत बनाते हैं। भागलपुर पुलिस ने फर्जी जमानतदार गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी साकचक थाना क्षेत्र का मोहम्मद इकबाल अहमद बताया जा रहा है। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। एसएसपी ने कहा कि जिले में फर्जी जमानतदार का बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो हत्या जैसे संगीन घटनाओं में शामिल अपराधी का जमानतदार बनकर बेल पर अपराधियों को छुड़ा रहा है। एसएसपी ने कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंच रही है। फर्जी जमानतदार गिरोह के खुलासे के लिए एएसपी विनीत कुमार के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान कहलगांव थाना में दर्ज दुर्घटना के केस में फर्जी जमानतदार के द्वारा अभियुक्त को बेल मिल गया, लेकिन सत्यापन के दौरान दिए गए ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया गया। एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही गिरोह में शामिल सदस्य को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रकाश में आई है कि और यह व्यक्ति जो अभी तक के हम लोग की जांच में है, इकबाल अहमद नाम से ही, ये बरारी थाना के भी एक केस 185/17-302 की जो कि धारा 302 का मामला है, उसमें भी ये जमानतदार बना था और पप्पू दास के नाम से भी ये कई मामलों में जमानतदार बना था। तो इस तरीके से एक यह अभी तक के जांच से यह पता चला है कि जो इस पूरे मामले में जो ट्रैक्टर जो मालिक है, जो कि कन्हैया लाल यादव है, जो कि गोराडीह थाना क्षेत्र का है, उसके द्वारा अपने निजी स्वार्थ हेतु अपने अधिवक्ता से या अधिवक्ताओं से के साथ मिल करके जो पेशेवर जमानतदार हैं, दलाल हैं या जो न्यायालय के जो कनीय कर्मचारी हैं, इनकी मिलीभगत से एक बड़ा गिरोह कार्य कर रहा है, जो कि इस तरीके से फर्जी जमानतदार या फर्जी अभियुक्त बना करके न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इस संबंध में तिलका मांझी थाना में कांड दर्ज किया गया है और पूरी बात जो अग्रतर अनुसंधान में आएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर विधायक अजीत शर्मा ने गुरुवार को उन्नयन योजना के तहत CMS स्कूल में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक का स्वागत स्कूल के प्राचार्य ने बूके देकर किया। विधायक ने स्कूली छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग तकनीक पर आधारित है और स्मार्ट क्लास के जरिए छात्र बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को स्मार्ट क्लास का लाभ लेने की बात कही, साथ ही शिक्षकों को भी बेहतर ढंग से पढ़ाने का निर्देश दिया। इस मौके पर स्कूली छात्र सहित शिक्षक मौजूद थे। भागलपुर के जगदेशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को पोषण मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रहमत उद्दीन, वीडियो चंद्रभूषण गुप्ता और CDPO रेखा मोदी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। CDPO रेखा मोदी ने कहा कि मेला का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को जागरूक करना है, जिससे शिशु मातृ दर में कमी आ सके। CDPO ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने की बात कही, जिससे बच्चों में पोषक तत्व की कमी ना हो। इस दौरान CDPO ने सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति करने की बात कही, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार की भी जानकारी दी। इस मौके पर काफी संख्या में प्रखंड की महिलाएं मौजूद थी। जनजागरण को जागरूक करना, माने कि इसके व्यवहार में परिवर्तन लाके किस तरह हम उसको जागरूक करके अपने स्वास्थ्य के बारे में सुधार कर सकते हैं। पूरा स्टॉल लगा है हर गतिविधि जो हमारा SGDS का मेन फोकस है, जैसे PMMTY, कन्या उत्थान योजना, स्कूल पूर्व शिक्षा, मुझुट्टी जो है 6 मासिक पर हम कैसे किस समय में उचित समय में उसकी हार कराएँ, वो सब गतिविधियों को हम स्टॉल लगा के गाँव में ग्रामीण को समझाएंगे और मेरी सेविका बताएंगे। नगछिया के गोपालपुर प्रखंड मुस्लिम टोला में ताजिए के दौरान लाठी खेलने को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल शेख टोला और राइन टोला के लोग ताजिया के दौरान लाठी खेल रहे, इसी दौरान एक पक्ष के लोग दूसरे के गोल में लाठी खेलने लगे। इसी बात को लेकर दोनों टोला के लोगों के बीच मारपीट होने लगी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को शांत कराया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के नव स्थापित जिला स्कूल परिसर में गुरुवार को गांधी कथा वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय परिशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत गांधी के तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान मास्टर ट्रेनर अविनाश कुमार ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को गांधी के आदर्श को स्कूलों में छात्रों के बीच रखने का संकल्प दिलाया, जिससे बच्चों के बीच समरसता, स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन हो और वह गांधी के सिद्धांत को समझ सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया।
नए ट्रैफिक रूल में भारी भरकम जुर्माने की राशि को लेकर युवा एकता सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने सैंडिस कंपाउंड में बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि कानून व्यवहारिक होना चाहिए, सिर्फ जुर्माने की वसूली से व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। चालान के नाम पर भारी भरकम जुर्माना राशि वसूले जाने से जनता परेशान है और इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अध्यक्ष ने सरकार से जुर्माना राशि कम करने की मांग की है। बैठक का संचालन अभियंता प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद मोदी ने किया। इस मौके पर मंटू यादव, अनवर आलम, सिकंदर चौधरी सहित संगठन के कई सदस्य मौजूद थे। जब सरकार इस बिल पर पुनः समीक्षा करे, संशोधन करे, ये आम जनता के पॉकेट पर जो है अतिरिक्त बोझ सरकार डालकर अपना खजाना भरना चाहती है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप इस पर समीक्षा नहीं करोगे तो देश की पूरी जनता आक्रोशित है और इस आक्रोश का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे देश की, हमारे राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, ये जबरिया कानून ला करके, ये बनारसी कानून ला करके, ये गुजराती कानून ला करके, ये नरेंद्र मोदी इस देश को चौपट करना चाह रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पखवाड़े को लेकर गुरुवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में स्कूल में गांधी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सामुदायिक सद्भाव और शांति पर भाषण दिया गया। आयोजन सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली बच्चे समाज को एक नई दिशा दे सके, जिससे समाज में फैली हिंसा पर रोक लगे और लोग आपसी सद्भाव के साथ रह सके। प्रतियोगिता में डीपीएस स्कूल, सेंट जोसेफ, डीएबी पब्लिक स्कूल सहित कई विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता सहित कई सदस्य मौजूद थे। गांधी जयंती प्रतियोगिता का तीसरा दिन है और ये भाषण प्रतियोगिता हमारा हो रहा है, जिसमें हमने रखा है तो गांधी की देन और सांप्रदायिक सद्भाव और गांधी, इन दो विषयों पर आज बच्चे अपने विचार रखते हैं। बच्चों के कोमल मन को ये विचार इतना प्रभावित करता है और उसके अंतर मन में ये भावना बैठ सकती है, इस भावना को बैठाने के लिए और समाज के लोगों को जो एक सांप्रदायिकता और गांधी के विचार के प्रति जो अनास्था बनती जा रही है। भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस मैदान में चल रहे प्रशिक्षुओं के फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबले में एच कंपनी ने के कंपनी को 4 विकेट से पराजित कर किताब पर कब्जा जमा लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर के मैच में के कंपनी ने सभी विकेट खोकर 66 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एच कंपनी की टीम ने महज 12 ओवर में ही मैच जीत लिया। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब सुजीत कुमार को मिला। विजेता और उपविजेता टीम को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। टूर्नामेंट में अंपायर की भूमिका कुंदन कुमार और अमन सिंह ने निभाई। बांका के बौसी मेला मैदान में नभा परायण समिति की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। गुरुवार को फाइनल मुकाबले में अम्बोना की टीम ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में ससी टोला की टीम को 1-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज अम्बोना के प्रेम मुर्मू और मैन ऑफ द मैच का खिताब नीतीश मरांडी को मिला। विजेता एवं उपविजेता टीम को नभा परायण समिति की ओर से नगद राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व मैच का विधिवत उद्घाटन बौसी थाना अध्यक्ष राजेश यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में बब्बन झा, राहुल झा, रविंद्र टुड्डू की सराहनीय भूमिका रही। इस दौरान काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। अनंत चतुर्दशी को लेकर पूरे अंग प्रदेश में दिखा उत्साह, श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ भगवान अनंत की पूजा। फर्जी जमानतदार बनकर अपराधियों का बेल करवाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नगर विधायक अजीत शर्मा ने सीएमएस स्कूल में स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन, छात्रों से तकनीकी शिक्षा का लाभ लेने की कही बात। बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण मेले का हुआ शुभारंभ, गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने पर हुई चर्चा। और नौगछिया में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।